सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी द्वारा नोटिस भेजा गया और सीधा चौथे दिन जांच के लिए बुलाया गया। इसके विरोध में अकोला के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रामक पवित्रा लेते हुए शहर के प्रमुख दीर्घा चौक से डाकघर चौक तक जोरदार नारेबाजी कर रास्ता जाम कर दिया गया। ये केंद्र सरकार की साजिश है और मोदी की तानाशाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रशांत वानखेड़े द्वारा किया गया। ईडी दफ्तर बुलाकर उनको जान बूझ के प्रताड़ित किया जा रहा है और पूरे देश के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया जा रहा है। ये लोकशाही का हनन है, ये संविधान का हनन है। हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ में बैठे हुए हैं और अकोला शहर में कांग्रेस कमेटी के माध्यम से यह आंदोलन कर रहे हैं। अगर यहाँ दोबारा राहुल जी को ईडी के ऑफिस बुलाया गया और कांग्रेस जन को तकलीफ दी गई तो देश में ऐसे आंदोलन होंगे कि इस देश का जो भी नुकसान होगा उसका खामियाजा इस देश के मगरूर राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा। हम चेतावनी देते हैं कि बेरोजगारी की तरफ ध्यान दो, गैस सिलेंडर की तरफ ध्यान दो, पेट्रोल डीजल की तरफ ध्यान दो। आप मोदी जी कांग्रेस की तरफ ध्यान देने की आपकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम ये कहते हैं कि इस देश की बेरोजगारी दूर की जाए। नरेंद्र मोदी आप होश में आ जाओ।